दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा कमाल का होने वाला है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड एक और वीडियो हम लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मशीन लर्निंग के अंदर ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो फेस है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब ये होता कैसे है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं, ये हमारे पास फ़र्ज़ किया ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक डाटा है। तो डाटा, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी कहा था कि डाटा बहुत ज़रूरी है मशीन लर्निंग के लिए। मशीन को ट्रेन करने के लिए डाटा होना हमारे पास, डाटा फर्स्ट नीड है हमारी, डाटा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये देखें, ये हमारे पास, मैं कहता हूँ ये एक बहुत स्मॉल सा डाटा है, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिया। रियल लाइफ डाटा की अगर बात करें तो ये उसका 0.001% भी नहीं बनता। तो मैं बात करता हूँ कि हमारे पास ये डाटा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट्रीब्यूट्स का ये डाटा है। कॉलम्स भी कह सकते हैं आप इसको, 7 कॉलम्स का ये डाटा है। सबसे पहला काम ट्रेनिंग के अंदर जो आपने करना है, आपने अपने डाटा को स्प्लिट कर देना। स्प्लिट मतलब तोड़ देना, तोड़ मतलब डिवाइड कर देना दो हिस्सों में। अब ये दो पार्ट्स में मैंने इस डाटा सेट को डिवाइड कर दिया। रेशो आपके ऊपर है, आप 70-30 में डिवाइड करें, 50-50 में डिवाइड करें, वो डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी जहां से भी आपको अचीव हो जाए आपकी जो डिजाइड है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन डाटा सेट को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। मैं बात करता हूँ कि ये जो हमारा, इनमें से मैं एक टारगेट एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, ये लास्ट वाला, या टारगेट एट्रीब्यूट कह लो इसको, या फिर लेबल्स भी कह सकते हैं इसको हम, कि ये हमारे डाटा सेट के लेबल्स हैं। इसका लेबल्स का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फर्ज किया ये, मैं कहता हूँ ये डाटा पड़ा हुआ है, इन ब्लॉक्स में ना डाटा पड़ा हुआ है, ये रोज है, इनमें डाटा पड़ा हुआ है 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 9। मैं वैसे ही डाटा फीड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, 1, 6, 9, 5, 4, 3, 2, 10, 11, 12, 0। ये लेबल्स मैं कह देता हूं। मैं कहता हूं कि अगर फर्ज किया, अब ये डाटा जो है ना, बेसिकली ये एक रो, एक क्वेश्चन है आपका। अगर ये आता है तो इसका आंसर दे दो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन। मैं फ्रूट्स के नाम लेबल ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक और रो ले लेता हूँ, अच्छा। अब जनाब, ये हमारे पास आ गया डाटा सेट, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये जो लाइन है ना, ये दो पार्ट्स में मैंने इस डाटा सेट्स को, डाटा सेट को डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारा पार्ट है ना डाटा सेट में, ये वाला, ये इसको आप कहोगे कि ये हमारा जो है इनपुट है, हम इसको इनपुट कह सकते हैं कि ये जो हम अपने ट्रेनिंग फेस में देंगे ये इनपुट होगी, और ये इसके कोरस्पोंडिंग आउटपुट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब मॉडल ट्रेन करते हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा, हमने स्टूडेंट्स के माइंड को ट्रेन किया। फर्ज किया कोई टीचर अगर स्टूडेंट को तैयारी करवाती है पेपर की, या फिर कुछ स्टूडेंट को ट्रेन करती है पेपर के लिए, वो ऐसे ट्रेन करती है कि ये क्वेश्चन आया तो उसका ये आंसर होगा, अगर ये क्वेश्चन आया तो उसका ये आंसर देना, अगर ये आया तो उसका ये आंसर देना, ऐसे स्टूडेंट का ब्रेन ट्रेन होता है। तो जब हमने मॉडल को ट्रेन करना है ना मशीन लर्निंग, तो भी हमने ऐसे ही करना है, हमने इनपुट देनी है तो साथ में आउटपुट भी देनी है। मतलब अगर ये इनपुट आ गई तो मॉडल कहेगा एप्पल है, आउटपुट पे मॉडल एप्पल दे देगा। अगर ये इनपुट आ गई सेकंड रो, तो आउटपुट पे मॉडल कहेगा ऑरेंज है। अगर ये इनपुट मॉडल को दी तो मॉडल कहेगा बनाना है, ये इनपुट दी तो वाटरमेलन है। तो हमने डेटा सेट को सबसे पहले क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया, फिर टारगेट एट्रीब्यूट लेबल को अलग कर लिया, एक हमने कॉलम को कह दिया ये हमारा लेबल है, लास्ट वाला जो होगा ना उसको हम कहेंगे वो हमारा लेबल है। जो पीछे जो जितना भी डेटा सेट रिमेनिंग है उसको हम कहेंगे वो हमारा इनपुट डाटा है। मतलब मैं इसको एक्स नाम दे देता हूँ, इस पूरे होल डाटा को, ये इसको, और इसको लेबल वाले को एक्स डैश। ये दोनों जो हैं, ये दोनों जाएंगे किधर, ट्रेनिंग फेज में। ट्रेनिंग फेज के बाद जो हमें मिलेगा, एक मॉडल मिलेगा, एक मॉडल मिलेगा। ट्रेनिंग फेज में जाने के बाद हम ट्रेनिंग फेज में इनपुट भी देंगे और उसकी आउटपुट भी देंगे। ये ट्रेनिंग फेज में हमने इनपुट भी दी और आउटपुट भी दी। इसके बाद जो हमें मिलेगा वो एक मॉडल बन के मिलेगा। मॉडल क्या होगा हमारा, जो हम उस मॉडल को फिर हम टेस्ट करेंगे। ट्रेनिंग फेज में क्या हुआ कि जस्ट हमने अपने डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया, उसमें से एक हिस्सा हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये इनपुट और लेबल्स का भी वही इतना ही हिस्सा हमने डिसाइड कर लिया ये आउटपुट देना। तो जब ट्रेनिंग फेज में इनपुट और आउटपुट जाएगी तो एक मॉडल जनरेट होके आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा रिमेनिंग डाटा सेट है, ये इसको मैं वाई नाम दे देता हूं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है, फर्ज किया यहां पे लिख देता हूं मैं एप्पल लिख देता हूं और बनाना, ठीक हो गया।
अब हमने इस मॉडल को टेस्ट भी तो करना है कि हमारा मॉडल कितना कॉन्फिडेंट है, कितना एक्यूरेट है। जैसे स्टूडेंट की एग्जांपल में हमने देखा था कि जब हम स्टूडेंट को ट्रेन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन आया ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन आया ये, स्टूडेंट का माइंड जब हम ट्रेन कर देते हैं तो उसके बाद जब वो पेपर में बैठता है तो वो पेपर उसका क्या होता है, टेस्टिंग फेस होता है। वो पेपर देखते ही समझ जाता है इस क्वेश्चन में मैंने ये आंसर लिखना है, इस क्वेश्चन में मैंने ये आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन आ गया मैंने ये आंसर लिखना है। ऐसे ही अब हमारा जब मॉडल जनरेट हो गया, जब हमने उसको इनपुट दिया और लेबल्स दिए, कुछ आउटपुट दी, तो हमारा मॉडल एक जनरेट हो गया। अब हमने उसको टेस्ट करना है। टेस्टिंग के लिए हमने कुछ डाटा सेट बचा के रखा था क्योंकि हमने पहले से ही डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब हम इसको देंगे इस मॉडल को ताकि टेस्ट हो सके। ये नहीं देंगे, अब हम ये नहीं देंगे, ये जो आउटपुट है ना, इन स्पेसिफिक इनपुट की ये जो आउटपुट है ये हम मॉडल को नहीं देंगे। हम सिर्फ ये वाली इनपुट देंगे मॉडल को टेस्ट करने के लिए। मॉडल जो जनरेट करेगा वो होगा आउटपुट। फर्ज किया मॉडल ने यहाँ पे जनरेट कर दिया एप्पल बनाना। हम इस आउटपुट को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये जो हमारा एक्चुअल डाटा की आउटपुट है ना, और ये है प्रिडिक्टेड आउटपुट, जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की वो है प्रिडिक्टेड आउटपुट, और ये जो एक्चुअल डाटा की आउटपुट है, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अभी अगर हम कंपेयर करें तो दोनों आउटपुट बिल्कुल सेम आई हैं, एप्पल बनाना। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल 100% एक्यूरेट है। फर्ज किया यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो चेंज आ जाए, फर्ज किया यहाँ पे आ जाए वाटरमेलन, कुछ वैल्यूज जो है मेल ना खाएं एक्चुअल डाटा के साथ। ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्या होती है, हमारे पास एक डाटा सेट होता है, उस डाटा सेट को हम स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों में। हमने स्प्लिट कर दिया, एक हिस्से हम एक टारगेट एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट वाला जिसे हम टारगेट एट्रीब्यूट कहते हैं, लेबल कह सकते हैं। अब हम जो डाटा सेट डिवाइड करते हैं ना, उसका एक हिस्सा एज ए इनपुट देते हैं और उसी की जो टारगेट एट्रीब्यूट्स हैं वही देते हैं ट्रेनिंग फेस में। वो ट्रेन होते हैं और बन के क्या होता है, हमारे पास एक मॉडल। फिर उस मॉडल को हम चेक करने के लिए जो हमने डाटा सेट बचाया होता है ना, उसकी जो बचा हुआ डाटा सेट होता है उसकी इनपुट को नॉट आउटपुट, सिर्फ इनपुट को हम देते हैं टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के बाद मॉडल एक आउटपुट जनरेट करता है, उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल आउटपुट के साथ, फिर देखते हैं हमारा मॉडल कितना कॉन्फिडेंट है, कितना एक्यूरेट है, उसमें एरर रेट क्या है। देन फिर हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल टेस्टिंग फेज की जो एक्यूरेसी है वो बताती है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है और कितना गुड है। तो टेस्टिंग फेज में हम यही इनपुट देते हैं जो हमारा रिमेनिंग डाटा सेट होता है, और फिर उसी की आउटपुट के साथ हम इसकी आउटपुट मॉडल की कंपेयर करते हैं और बताते हैं। तो यही था हमारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग फेज। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को भी तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछे, इंशाल्लाह मैं हर कंफ्यूजन उसकी दूर करूंगा। बाकी हमारी और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो ओवर फिटिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का क्या प्रॉब्लम आता है हमारे इन डाटा सेट्स में और मॉडल्स में, मशीन लर्निंग में जो हमारा अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।